नॉर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। अंदर की खबर बताने बैठे हैं। साल 2020 का चुनाव आप सभी दर्शकों को अच्छे से याद होगा कि एनडीए गठबंधन में जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी के अलावा चिराग पासवान तो थे, लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान ने अपने ही गठबंधन के खिलाफ में प्रत्याशियों को उतारना शुरू कर दिया एक के बाद एक, जनता दल की कई ऐसी सीटें थी जिस वजह से उस सीट डैमेज हो गई। वहां पर नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड तीसरे नंबर के दायरे में आ गई। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन करके नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर रहने वाली जनता दल यूनाइटेड आखिरकार कैसे तीसरे नंबर की पार्टी बन गई, इसको लेकर नीतीश कुमार हमेशा परेशान रहे। नीतीश कुमार ने बार बार ये बयानों में अपने स्पष्ट किया कि किसने ठग लिया, किसने पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है, कौन अपना है कौन पराया है ये पता ही नहीं चल पाया। चिराग कहने के लिए तो एनडीए के साथी थे, भाजपा के समर्थन में थे, लेकिन अचानक से 2020 में जो उन्होंने अलग अलग सीटों पर, लगभग 137 सीटों पर उन्होंने प्रत्याशी उतारे, ऐसे जनता दल यूनाइटेड तीसरे नंबर की पार्टी बन के रह गई। 45 विधायक नीतीश कुमार के रहे, वो कभी विधायक 100 से ज़्यादा रहा करते थे, अचानक से 100 का आंकड़ा, क्या 50 का आंकड़ा भी 2020 में नीतीश कुमार ने पार नहीं कर पाए और वो पार्टी जो है तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। और इसका नीतीश कुमार को बार बार रह रह के वो टीस जो है वो चुभता रहा कि आखिरकार कैसे बीजेपी ने उन्हें ठगा है, चिराग को रोका क्यों नहीं, चिराग को मना क्यों नहीं कर दिया, उन्होंने स्वतंत्र कर दिया चिराग पासवान को कि आप उतरिए, उतर करके। ये कई चर्चाएं जो हैं वो बिहार के राजनीति में चलते रहती हैं। नीतीश कुमार 2020 के बाद से 2022 तक का अगर आप पैटर्न याद करेंगे तो नीतीश के आसपास रहने वाले बड़े बड़े धुरंधर आज नीतीश कुमार से अलग हो चुके हैं। चाहे प्रशांत किशोर की बातचीत करें, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की बातचीत करें, या फिर बातचीत कीजिए जीतन राम मांझी की, या फिर बातचीत आप करिए आरसीपी सिंह की। आपने देखा कल 31 तारीख को दीपावली के दिन आरसीपी सिंह ने बड़ा धमाका कर दिया। आशा आप सबकी आवाज़ नाम की एक पार्टी उन्होंने बिहार में लॉन्च कर दी, और इस पार्टी के लॉन्च करने के साथ ही जो आरसीपी सिंह हैं, आरसीपी सिंह ने ये साबित कर दिया कि उनकी लड़ाई अब जो है बिहार में बाकी सभी दलों से हो जाएगी। देखिए, लौकुश समीकरण नीतीश कुमार का, जो कि हमेशा जनता दल यूनाइटेड के साथ रहा है, और अचानक से लौकुश समीकरण में सेंधमारी होने लगी। जो लौकुश से कुशवाहा हैं, वो कुशवाहा की बड़ी कब्रगाह जदयू बनती चली गई, ये आपने देखा। कई धुरंधर कुशवाहा नेता एक एक करके पार्टी से या तो निकाले गए या खुद उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। उपेंद्र कुशवाहा, जिनके बारे में काफ़ी चर्चाएं चल रही थी, नीतीश कुमार की कुर्सी के बेहद करीब उपेंद्र कुशवाहा खुद को मानते थे, लेकिन पार्टी के अंदर जो गतिविधियां हुई इससे कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को लगा कि अब शायद जनता दल यूनाइटेड में रहना सही नहीं होगा, और इस वजह से उन्होंने क्या किया, जनता दल यूनाइटेड को छोड़ दिया, अपनी पार्टी बनाई। वही हाल प्रशांत किशोर के साथ रहा है, वही हाल आरसीपी सिंह के साथ रहा है। आरसीपी सिंह कोयरी के एक बड़े नेता हैं, लौकुश समीकरण के एक बड़े नेता। तो आरसीपी सिंह कुर्मी के एक बड़े नेता हैं और लौकुश समीकरण पर वो पकड़ मजबूत बनाना चाहते हैं, और इस वजह से कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह जो हैं वो अपनी पार्टी बिहार में लॉन्च कर दिए हैं। अब उनकी पार्टी लॉन्च होने के साथ साथ नीतीश कुमार को डैमेज करने की कोशिश आरसीपी सिंह के तरफ से की जाएगी। 2020 के चुनाव के आधार पर ही साल 2025 का चुनाव हो सकता है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। आरसीपी सिंह नीतीश कुमार से काफ़ी ज़्यादा, उनका 36 का आंकड़ा इन दिनों रहा है। एक तरफ प्रशांत किशोर हैं तो दूसरे तरफ आरसीपी सिंह हैं, और ये दोनों मिलकर साल 2020 वाला पैटर्न 2025 में अपना देंगे। वैसे वैसे जगहों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करेंगे। जो नीतीश कुमार के सबसे मजबूत जो सीट है वो रही है।
अब देखिए साल 2020 के बाद से बहुत कुछ बदला है। नीतीश भी दो बार बदल गए, यानी कि दो बार उन्होंने गठबंधन छोड़ा। इसके बाद चिराग पासवान से जो दुश्मनी थी नीतीश कुमार की, वो अब चाचा भतीजे वाले रिश्ते में तब्दील हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा से जो नाराजगी थी, वो कुशवाहा से नाराजगी खत्म हो गई है। जीतन राम मांझी से नाराजगी खत्म हो गई है। तो अगर प्रशांत किशोर या फिर आरसीपी सिंह नीतीश कुमार को डैमेज करेंगे, तो चिराग से लेकर मांझी से लेकर कुशवाहा तक नीतीश को बचाने में लग जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि बिहार में अगर राजनीति करनी है तो नीतीश कुमार के साथ रह के करनी होगी, और नीतीश कुमार जब तक हैं तब तक उनको साथ लेकर चलना होगा। और इस वजह से आरसीपी अगर कैंडिडेट उतारते हैं, कुर्मी के एक बड़े नेता हैं, अगर वो कैंडिडेट उतारेंगे तो बाकी जो उनके गठबंधन के साथी हैं, चाहे चिराग पासवान हैं, जीतन राम मांझी है या फिर बाकी जो लोग हैं, वो नीतीश कुमार को बचाने में लग जाएंगे। इसलिए अब ये बात सामने आ रही है कि बिहार में 2020 वाला खेला हो सकता है। चिराग, मांझी, कुशवाहा ये सभी तैयार हैं नीतीश कुमार को बचाने के लिए, ना कि नीतीश कुमार को जाने देने के लिए। और इसके लिए जनता दल यूनाइटेड भी कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर आ चुकी है कि अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं बिहार में, 2020 वाला पैटर्न अगर वाकई में शुरू हो जाएगा, तो फिर उसके लिए नीतीश कुमार या फिर जनता दल यूनाइटेड की तरफ से क्या रणनीति बनाई जाए, ताकि जो कल ही आपने सुना पंचनामा के माध्यम से हमारे संपादक ने बताया भी था कि ये ऐसे व्यक्ति हैं जो जदयू बीजेपी के बीच में आकर इन दोनों के रिश्ते को ख़त्म भी कर सकते हैं। इस वजह से इनको रोकने की तैयारी की जा रही है। जिस चिराग पासवान की वजह से नीतीश डैमेज हुए थे, वहीं चिराग पासवान 2025 में नीतीश कुमार की पार्टी को मजबूत करेंगे। जिस उपेंद्र कुशवाहा को लगता था कि जनता दल यूनाइटेड उन्होंने ठग लिया, फिर 2025 में जदयू के लिए वो प्रचार प्रसार करते दिखेंगे। जीतन राम मांझी के बीच और नीतीश कुमार के बीच जो कन्फ्लिक्ट मचता हुआ दिखता है, वो कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी एक बार फिर नीतीश को मजबूत करेंगे। अपनी पार्टी को तो मजबूत करेंगे ही, लेकिन एनडीए गठबंधन को मजबूत करने की जिम्मेदारी अब इनकी हो गई है। और इस वजह से 2020 का जो पैटर्न है बिहार में अगर शुरू हो जाएगा, तो उसे रोकने के लिए ये तीन बड़े धुरंधरों को बिहार में उतारा जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव पर। आपको ये खबर कैसी लगी जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखे नहीं, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये वो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700।